अतीक अहमद को लेकर पुलिस कुछ ही देर में मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंच जाएगी। यूपी पहुंचने के बाद हो सकता है रूट में बदलाव। करीब 4 बजे अतीक ने वॉशरूम जाने की मांग की, कोटा पेट्रोल पंप पर काफिला रुका। चित्तौड़गढ़ से आगे मांडलगढ़ में करीब 2:10 पर रुका काफिला, अतीक की गाड़ी का ड्राइवर बदला गया। रात 9:05 पर राजस्थान के तनगढ़ के पास पेट्रोल पंप पर 10 मिनट के लिए काफिला रुका, यहां पर भी अतीक ने वॉशरूम जाने के लिए कहा था। दूसरी बार उदयपुर के पास पेट्रोल पंप पर काफिला रुका, वाहनों में भराया गया ईंधन। अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से शाम 5:40 पर यूपीएसटीएफ प्रयागराज के लिए रवाना हुई, जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। साबरमती जेल से निकलते वक्त अतीक अहमद को सताया एनकाउंटर का डर, बोला कोर्ट के कंधे पर मुझे मारना चाहते। यूपी के डीजीपी ने काफिले के रूट में जाम ना लगने का निर्देश दिया, रास्ते पड़ने वाले सभी जिलों में अलर्ट। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रयागराज की रैनी जेल में अतीक को रखा जाएगा, जेल में की गई है जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा, हाई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन सेल में अतीक को रखा जाएगा, 24 घंटे निगरानी होगी। अतीक अहमद को 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश, उमेश पाल हत्याकांड में सुनाया जाएगा फैसला। अहमदाबाद से प्रयागराज का 1275 किलोमीटर का है पूरा रास्ता, नॉन स्टॉप चलने पर लगभग 30 घंटे का वक्त लग सकता है। अतीक अहमद के लिए रास्ते में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, काफिले में 4 अफसरों समेत 45 पुलिसकर्मी शामिल, 15 गाड़ियां लगातार स्कॉट कर रही हैं। आईपीएस अधिकारी अभिषेक भारती को दी गई है पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी, काफी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। लखनऊ से परे ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है, पूरे ऑपरेशन की बनाए गए हैं कई कंट्रोल रूम, गूगल से भी ट्रैक किया जा रहा है काफिले को। काफिले में शामिल पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन भी सुरक्षा की वजह से जमा हो गए हैं, सिर्फ 4 अफसरों के पास फोन रहेंगे। रास्ता लंबा होने की वजह से अतीक की गाड़ी के लिए 2 अतिरिक्त ड्राइवर का इंतजाम है, पुलिस कर्मियों के लिए गाड़ियों में ही खाने पीने का पूरा सामान रखा गया है। टीवी 9 भारतवर्ष अतीक को ले जा रहे काफिले के पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। अतीक की गाड़ी के ठीक पीछे टीवी 9 की टीम। अतीक अहमद के मददगार पुलिस वालों का तबादला, प्रयागराज में तैनात 17 पुलिसकर्मियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, 1 दारोगा का भी ट्रांसफर हुआ। अतीक अहमद पर हत्या, हत्या की साजिश, रंगदारी, अवैध कब्जे जैसे गंभीर अपराधों के 163 मामले हैं। पहला मामला 1979 में दर्ज हुआ था। अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार लोकसभा सांसद रह चुका है, पहली बार इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। अतीक के भाई अशरफ को भी अदालत में किया जाएगा पेश, बुलेट प्रूफ गाड़ी से कोर्ट लाया जाएगा। अतीक अहमद पर उमेश पाल की पत्नी का बयान, बोली मेरा परिवार उजाड़ा गया, उसका भी यही हाल। अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी पलट जाएगी, तभी तो उनके मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। अखिलेश के बयान पर ब्रजेश पाठक बोले, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार, बोले अखिलेश को लगता है कि ज्यादा ज्ञान है, गाड़ी पलटाकर ही मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर करेगा सुनवाई, याचिका में दिल्ली शराब घोटाले में समन को रद्द करने की मांग है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ ये याचिका है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई ने दायर की है अर्जी। आपत्तिजनक भाषण को लेकर केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आरोप खारिज करने की मांग। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, ओबीसी आरक्षण कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट ने लगाई थी रोक। आज भी संसद में हंगामे के आसार, अडानी और राहुल गांधी के मुद्दे पर सदन चलना काफी मुश्किल। संसद में कांग्रेस सांसद आज विरोध में काली पट्टी पहनकर आएंगे, राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्ष के नेताओं की 10 बजे होगी बैठक, सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार होगी। आज कांग्रेस का पूरे देश में संविधान बचाओ आंदोलन, राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का विरोध। राजघाट से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोली शहीद के बेटे को गद्दार कहा, मेरे परिवार का संसद में अपमान हुआ। भगोड़े अमृतपाल सिंह की 9 राज्यों में तलाश जारी है, नेपाल भागने की आशंका, बॉर्डर पर लगे पोस्टर, एसएसबी को किया गया अलर्ट। कोची में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, टेक ऑफ होते ही हादसे का शिकार हो गया, 3 लोग जख्मी हुए।
सीएम अशोक गहलोत राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट पर करेंगे बैठक। काफी दिनों से बिल का डॉक्टर कर रहे हैं विरोध। यूक्रेन ने एक साथ उड़ाए रूस के कई टैंक्स, बैटल ग्राउंड से आया हमले का चौंकाने वाला वीडियो। यूक्रेनी फौज ने स्वातोव में हाइमार से किया हमला, रिहायशी इलाकों को रूस ने बनाया था कमांड पोस्ट। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी ठिकाने को टारगेट किया, रूस की ओर से हो रही गोलाबारी का जवाब दिया गया। रूस पर 50,000 ड्रोन से हमले की तैयारी, 50,000 कामकाजी ड्रोन से यूक्रेन करेगा बड़ा हमला। रूस बनाएगा 1600 नए टैंक्स, यूक्रेन को वेस्ट से मिलने वाले टैंक से 440 ज्यादा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सनसनीखेज खबर, यूक्रेन ने भी विदेशी वॉलंटियर्स की संख्या पर झूठ बोला। रूस ने टैंकों से कई यूक्रेनी ठिकानों को दहला दिया है, रूस की साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का बड़ा एक्शन। इसराइल में विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बड़ी कार्रवाई, देश के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त किया गया। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का आरोप, योजना पीएम नेतन्याहू को बचाने के लिए बनाई गई, इससे बढ़ेगा करप्शन। इसराइल की सड़कों पर करीब 7 लाख लोगों का प्रोटेस्ट, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू पाने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।